आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ कंटेंट ओवरव्यू। इस वीडियो का मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई स्लोप क्या होता है। दोनों में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों में स्लोप हम चेक करेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपको डे टू डे लाइफ में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया अंडर द, यू कैन से दैट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो चेक करेंगे हम। पर उससे पहले हम वीडियो बिगिन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ इसके बेस में, ग्राफ के बेस में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो टोटली हाईलाइटेड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, तो आप चाहो तो उसे रेफर कर सकते हैं, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा या नीचे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट अस बिगिन। सो बिगिन करते हैं कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एग्जांपल से कि कौन सा मोशन क्या डिपिक्ट करता है, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिंपल भाषा में। तो वर्टिकल एक्सिस मींस वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी। किस में रिप्रेजेंट करेगी? मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगी वो टाइम रिप्रेजेंट करेगी। किस में जनरली रिप्रेजेंट करेगी? सेकेंड या फिर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है तो टाइम हमेशा सेकंड में होगा, और अगर किलोमीटर पर आवर में आपका वेलोसिटी है तो टाइम हमेशा आवर में होगा। तो अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके का एक ग्राफ होता है जो मान लीजिए ऐसा हो, मतलब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, राइट, विच हैज सर्टेन वैल्यू, से वी वन इज द वैल्यू। तो ये जो मोशन डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है दैट बॉडी इज मूविंग विथ, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम चेक करें कि हर एक इंस्टेंस पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, वेलोसिटी की वैल्यू से लेबल इट 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिज आर द इंटरमीडिएट स्टेट्स। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है? v1 है, फिक्स्ड है। अगर ये v1 की वैल्यू होती मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक स्टेट पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, यहाँ पर वेलोसिटी सेम होती, राइट। तो इसका दूसरा क्या कहते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसको और एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट बॉडी इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन, राइट। और ये कैसे आया, इसको मैं जब स्लोप आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं इसको कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ। तो ये पहला केस हो गया कि जब बॉडी का मोशन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शो किया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है। दिस इज़ नॉट रेस्ट, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हमने पहले पढ़ा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप एक बार रेफर कर लेना, राइट। तो जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सेम ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, तो वहाँ पर अगर ये चीज़ होती तो बॉडी का जो मोशन होता, जस्ट आई एम कंपेयरिंग दिस राइट नाउ लाइक दिस, ऐसा कुछ, और अगर इसमें जो बॉडी का मोशन होता ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये जो डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। तो वेलोसिटी में कभी भी ये रेस्ट को डिनोट नहीं करेगा, वेलोसिटी में हमेशा ये मोशन को डिनोट करेगा। और कैसा मोशन? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसको मुझे चेंज करना है, मान लो इस एग्जिस्टिंग ग्राफ को मुझे चेंज करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, राइट, तो मैं किस तरीके से चेंज करूँगा वो भी आप चेक कर लीजिए।
तो इस तरीके से अगर मैं प्लॉट करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम वर्स्ट होगा, बट आई होप वो इतना भी नहीं होगा कि आप समझ ना पाए, प्लीज़ उसे मेंटेन अंडरस्टैंड कर लें। तो सेम इस ग्राफ को मैंने शो किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो ये किस तरीके से शो होगा, देखो ये एरिया जनरली बॉडी कवर कर रही है शेडेड रीजन में, जो कॉन्सेप्ट सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो पहले हम टाइप्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद ये दो कॉन्सेप्ट्स में भी आएंगे। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे शो होगी, इट इज़ समवेयर लाइक दिस, ऐसा, राइट। तो ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमने चेक किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो आपको पता है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, तो ये हमेशा ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, और यहाँ पर भी फर्स्ट में है, तो दिस विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, आई होप वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड वेराइटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्वाइट सिमिलर है, किसके एक सिमिलर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। सो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड। तो अगर इसमें वेलोसिटी जो है वो किसी बॉडी का इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट, विथ स्लोप, मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्लोप उस बॉडी का जिसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हर एक पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो यहाँ पर ये विथ टाइम, ये टाइम के साथ, राइट, इस टाइम के साथ क्या चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते चले जा रही है, राइट राइट V1 V2 V3 V4 विच इज़ इंक्रीजिंग इन द वाई एक्सेस एज पर द टाइम इंक्रीजेस। से T1 इज़ द टाइम, T2 इज़ द टाइम, T3 इज़ द टाइम, T4 इज़ द टाइम। तो इन टाइम ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी बढ़ते चले जा रही है। तो ये मोशन जो होगा आप कह सकते हो दिस मोशन डिस्क्राइब दैट बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ 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 कॉन्स्टेंट रहेगी, ए इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, हमेशा। तो जब भी ऐसा कोई ग्राफ बनेगा तो इसमें ए जो होगा वो थ्रू आउट द इंटरमीडिएट स्टेट लाइक दिस 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 इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन, राइट, आई एम राइटिंग इट हियर, यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन। अच्छा, एक डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाता, ये यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन है। इससे पहले जो हमने ग्राफ चेक किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लाइक दिस, ये जो कहलाता है ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। लेकिन जब असलरेटेड बीच में आ जाता है, असलरेटेड व्हाट डज इट मीन, दैट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, अलॉन्ग विथ द डिस्टेंस कवर्ड विल ऑल्सो, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो डिस्टेंस कवर्ड भी वेरिएबल होगा। सो यू कैन से दैट इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ असलरेटेड मोशन। सो असलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, राइट। सो ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन, ओके। सो नेक्स्ट वेराइटी इसी में चेक करते हैं। सो जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3, इसमें ये वाला केस आपको काफ़ी आसान लगेगा समझने के लिए। पिछले टाइप का कुछ सेम है, बट बॉडी ओरिजिन से मूव नहीं कर रही है। बॉडी कहाँ से मूव कर रही है, समवेयर से वी वन पॉइंट से मूव कर रही है, और कहाँ तक के पहुँच रही है, समवेयर अराउंड वी टू, यहाँ तक के जा रही है। तो इस केस में आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है।
अब वो दो चीज़ें क्या हैं? दैट फर्स्ट पॉइंट, लेट मी चूज द कलर, दैट विल बी इजियर टू रिफ्लेक्ट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, दैट बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बॉडी हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, सम इनिशियल वेलोसिटी. और ये वाला ग्राफ हमने पहले भी चेक किया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ जब जाता है सो ये कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो ये एक केस ऐसा है कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट से बिगिन नहीं करी. अगर वो बॉडी सेम बॉडी यहाँ से मोशन करती यहाँ से और सेम ऐसा होता कुछ, तो बोथ आर सेम, बट इन दिस केस बॉडी स्टार्टेड द मोशन फ्रॉम रेस्ट. बॉडी स्टार्टेड द मोशन फ्रॉम रेस्ट, राइट. सो ये आपको ध्यान रखना है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता. और इसका जो हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं वो इस पॉइंट से करते हैं. यहाँ पर पहले इस ये जो ग्राफ वन है और ये ग्राफ टू है, ग्राफ वन का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट से होगा, ओरिजिन से होगा, लेकिन ग्राफ टू का स्लोप होगा वो इस पॉइंट से होगा जहाँ पर मैंने वी वन लिया हुआ है, दिस वन, राइट. तो ये हो गया थर्ड केस. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इसी में कुछ एड ऑन करने की कोशिश करता हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा आ रहा हो, मतलब उसकी एक v1 वेलोसिटी थी, अब वो यहाँ पर आ गया, मतलब रेस्ट में आ गया, मतलब ये जो मोशन शो कर रहा है वो शो कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी कंटिन्यू यहाँ से लेकर के इनिशियल पॉइंट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक आए तक के जो भी उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, राइट, दिस दिस दिस, ये जो वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं ये यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज हो रही हैं, राइट. सो हम डिक्रीज एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन, उसे हमने नाम दिया हुआ है रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन. तो ये आपको समझ में आना चाहिए, दैट बॉडी इज़ हैविंग सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी देन इट इज़ कमिंग टू रेस्ट. तो यहाँ पर बॉडी अगर मान लीजिए इस केस में बॉडी यहाँ से ऐसा आ जाती, ब्लू से आपको जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये डी एक्सेलरेटिंग था, लेकिन बॉडी यहाँ से कहाँ चले गई, ऊपर, मतलब आगे बढ़ गई. सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो थी ही, राइट, पर यहाँ से वो आगे बढ़ गई, राइट. सो आई होप ये सेग्रीगेशन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्लियर होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा कि स्लोप और उसके बारे में बता सकूँ. ये थे आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स, जहाँ पर आपको चार केसेस मैंने आपको बताए हैं, और ये चार केसेस से ही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बियॉन्ड कहीं नहीं आने वाला, ये यहीं से आएगा. कुछ एग्जांपल भी मैं कोशिश करूँगा कि कवर कर सकूँ आपको समझाने के लिए. अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसे बता देना मुझे, डेफिनेटली मैं इस पर वर्कआउट करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर सकूँ. अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो रिकमेंड ज़रूर कर देना. सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम समझेंगे स्लोप दोनों ग्राफ का और एरिया अंडर कर्व, राइट, दोनों ग्राफ का, सॉरी एक ग्राफ का, क्योंकि एक में तो होता नहीं है एरिया अंडर कर्व, एक ग्राफ विच इज़ VT. तो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.